Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College 17 RB Raisingnagar. Students, aaj hum karne wale hain ek bahut hi famous poem, One Day I Wrote Her Name Upon the Strand by a famous Elizabethan poet Edmund Spenser, jo ki aapke BA first year ke syllabus ke andar hai. Okay students, bahut interesting poem hai और इसको आज हम डिस्कस करेंगे. एडमंड स्पेंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पोइम को हम एनालाइज करेंगे, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पोइम की थीम क्या है, उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करेंगे. सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमंड स्पेंसर के एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन के साथ. जैसा कि आप पोइम का टाइटल देख रहे हैं, वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड. स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रैंड बीच होता है, समुद्र का किनारा. समुद्र के किनारे पे आप जैसे कि रेत देख रहे हैं, तो एडमंड जो स्पेंसर है ये अपने बिलव्ड के साथ में इस बीच पर बैठे होते हैं और वो उस रेत पर अपने बिलव्ड का नेम लिखते हैं. दैट इज़ वाई द पोइम इज टाइटल्ड वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड. सैंडी जो बीच होती है उसे हम स्ट्रैंड कह देते हैं. तो ये इस पोइम का टाइटल है. उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि वो और उसकी बिलव्ड, एडमंड स्पेंसर की बिलव्ड, दोनों सैंडी बीच पर बैठे हुए हैं और एडमंड स्पेंसर उस रेत पर अपनी बिलव्ड का नेम लिखता है. उसी के बारे में ये सारी पोइम है. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अ बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ एडमंड स्पेंसर. तो ये आप देख रहे हैं एडमंड स्पेंसर. इनके बर्थ के बारे में थोड़ी सी अनश्योरिटी है, थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है कि इनका जो बर्थ है वो 1552, या कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं, स्कॉलर्स का मानना है कि इनका जो बर्थ है वो 1553 के अंदर हुआ था. डेथ के बारे में बिल्कुल श्योरिटी है, 13 जनवरी 1599 के अंदर इनकी डेथ हुई थी. एन इंग्लिश पोइट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स. अगर हम मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत ही एक वाइटल रोल है इनका. ओके, बेस्ट नॉन फॉर हिज एपिक पोइम द फेरी क्वीन. ये अपनी पोइम फेरी क्वीन के लिए बहुत फेमस हुए थे, जो कि एक एपिक है. स्टूडेंट्स, एपिक आप जानते हैं कि एक बहुत लंबी वर्ड्स पोइम होती है जिसमें किसी स्टोरी को हम वर्ड्स में लिखते हैं. जैसे कि आपने मिल्टन के पैराडाइज, लॉस्ट पैराडाइज रिगेन के बारे में सुना है, या आपने अलेक्जेंडर पोप की मॉक एपिक द रेप ऑफ लॉक के बारे में सुना है. तो एपिक महाकाव्य जिसको अपने कह देते हैं. ओके, एक बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है. तो इनके द्वारा लिखा गया जो फेरी क्वीन एपिक है, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एपिक एवर. तो और इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हिज फादर जॉन स्पेंसर वॉज अ जर्नी मैन एंड क्लोथ मेकर. इनके जो फादर थे उनका नाम जॉन स्पेंसर था, वो एक जर्नी मैन थे, क्लोथ मेकर थे, कपड़े वगैरह बनाने का काम करते थे. एज अ यंग बॉय ही वॉज एजुकेटेड इन लंडन एट द मर्चेंट टेलर स्कूल, जहाँ पे इनकी जो स्टडी होती है. एंड मैट्रिकुलेटेड एज अ सिजार एट पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज. और बाद में इन्होंने मैट्रिकुलेटेड किया कहाँ से? पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से. कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिजार आ रहा है. तो सिजार देखे किसके लिए आता है? कि जब एक पुअर जो स्टूडेंट होता है, यानी कि जिसकी इकोनॉमिकल जो स्थिति होती है बहुत अच्छी नहीं होती है और वो इकोनॉमिकली किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, तो एज अ सिजार इन्होंने वहाँ से क्या किया, अपना मैट्रिकुलेट किया इन्होंने. इन जुलाई 1580 स्पेंसर वेंट टू आयरलैंड. यहाँ पे देख रहे हैं हम, आयरलैंड के अंदर चले गए इन सर्विस ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड लॉर्ड डेप्यूटी आर्थर ग्रे, 14th बैरन ग्रे डी विल्टन. यहाँ पे ये काम करने चले जाते हैं आयरलैंड के अंदर. स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन लॉर्ड ग्रे वाज रिकॉल्ड टू इंग्लैंड, जब लॉर्ड ग्रे को इंग्लैंड वापस बुलाया जाता है, स्पेंसर स्टेड ऑन इन आयरलैंड. तो वहाँ पे वो आयरलैंड में ही रहते हैं, हैविंग एक्वायर्ड अदर ऑफिशियल पोस्ट्स एंड लैंड्स इन द मंस्टर प्लांटेशन. वहाँ पे इनको बहुत सारी ऑफिशियल पोस्ट्स मिलती हैं. ओके, दूसरी ऑफिशियल पोस्ट की इच्छा से वहाँ पे रहते हैं ये आयरलैंड के अंदर. और इसके बाद अपने इनके बारे में और देख लेते हैं. इन 1598 ड्यूरिंग द 9 ईयर्स वॉर. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 ईयर्स वॉर जो किसमें था, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में युद्ध हुआ था, उसे हम 9 ईयर्स वॉर के रूप में जानते हैं. स्पेंसर वॉज ड्राइवन फ्रॉम हिज होम बाय द नेटिव आयरिश फोर्सेज ऑफ ऑद ओनेल. अब क्या था कि इनका जो नेटिव टाउन था, स्पेंसर वॉज ड्राइवन फ्रॉम हिज होम बाय द नेटिव आयरिश
फोर्सेज ऑफ ऑद और नेल, वहाँ की जो फोर्सेज थी उन्होंने इसको इनके घर से वहाँ से निकाल देते हैं ये। हिज कैसल एट किलकॉलमेन वॉज बर्न्ड। अब किलकॉलमेन जगह का नाम है, वहाँ पे इनका जो कैसल था मतलब इनका जो रहने का घर था उसको जला दिया जाता है। एंड बेन जॉनसन वू मे हैव हैड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, और बेन जॉनसन का नाम सुना होगा आपने, येट अनदर फेमस पॉइंट। तो बेन जॉनसन इनके बारे में एक जानकारी देते हैं, असर्टेड दैट वन ऑफ हिज इन्फेंट चिल्ड्रन डाइड इन द ब्लेज। उनका कहना है कि जब उनके घर को किलकॉलमेन के अंदर उनके कैसल को आग लगाई जाती है तो वहाँ पे उनका एक छोटा बेबी छोटा बच्चा उनका जल के वहाँ मर जाता है। After being driven from his home in 1599, Spencer traveled to London where he died at the age of 46. अब 1599 के अंदर ये वापस लंदन पे आते हैं जहाँ पे 46 साल की एज के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। His coffin was carried to his grave in Poets Corner in Westminster Abbey. Westminster Abbey के अंदर इनके कॉफिन को लाया जाता है, वहाँ पे इनको दफनाया जाता है। वेस्टमिंस्टर अभी एक बहुत ही फेमस सिमेट्री है इंग्लैंड के अंदर। बाय द अदर पॉइंट्स वो थ्रू मैनी पेंस एंड पीसेज ऑफ पोइट्री इन टू हिज ग्रेव विद मैनी टीयर्स। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो इनकी डेथ पे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पेंस और पीसेज ऑफ पोइट्री को इनकी ग्रेव के अंदर दफना दिया था। ओके तो बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि फेमस पर्सनैलिटी थे। और आपने स्टूडेंट्स एक नाम सुना होगा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब आपके सिलेबस के अंदर भी है, प्रोज के अंदर हम चार्ल्स लैम्ब को पढ़ने वाले हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ने इनको क्या बोला था, पॉइट ऑफ पॉइट्स बोला था, कवियों के कवि। मतलब चार्ल्स लैम्ब इनको क्या बोलते हैं, पॉइट ऑफ पॉइट्स बोलते हैं कि ये कवियों के कवि हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है एज अ पॉइट, इतना ज़्यादा एमिनेंट है, सेलिब्रेटेड, इतना ज़्यादा फेमस है कि चार्ल्स लैम्ब ने इनको क्या टैग दे दिया, क्या टाइटल दे दिया इनको, पॉइट ऑफ पॉइट्स कह दिया। तो पॉइट ऑफ पॉइट्स ऐसी किसी को टाइटल नहीं मिलता, उसको ये डिजर्व करते हैं ये। यहाँ पे आप इनके कुछ फेमस वर्क्स देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं द शेफर्ड स्प्लेंडर देख रहे हैं, अंडर द स्यूडोनिम इमर्टियो देख रहे हैं आप, फेरी क्वीन यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके और फिर आप फेरी क्वीन बुक 1 और 3, फेरी क्वीन बुक 4 और 6 देख रहे हैं, और 1595 के अंदर एमरोटी आप देख रहे हैं, एंड एपिथेलेमिन देख रहे हैं आप इनका। यहाँ पे इनका एक कलेक्शन है इनके कुछ फेमस वर्क्स का स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इनको नो डाउन कर सकते हैं। ओके तो ये था स्टूडेंट्स एडमंड स्पेंसर का एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। बेसिकली एलिजाबेथन है और इनको मेटाफिजिकल पॉइंट भी माना जाता है, फेमस मेटाफिजिकल पॉइंट माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही आप ये कहें कि यूजफुल है। ओके एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते हैं। और अगर अपने अब स्पेशली इस पॉइंट की बात करें, वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक स्पेंसेरियन सोनेट है डिवाइडेड इनटू 3 quatrains एंड 1 couplet। स्पेंसेरियन सोनेट देखिए एक अपने ही प्रकार के सोनेट को इन्होंने इन्वेंट किया एडमंड स्पेंसर ने। अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि सोनेट बेसिकली 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, इटालियन सोनेट उसी को हम पेट्रार्कर कहते हैं, उसी को हम मेल्टोनिक सोनेट कह देते हैं। दूसरे प्रकार की जो सोनेट थी वो कौन सी थी, शेक्सपियरियन सोनेट, या जिसको अपने इंग्लिश सोनेट भी बोल देते हैं। लेकिन एक नए प्रकार की सोनेट को इन्वेंट किया एडमंड स्पेंसर ने, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, स्पेंसेरियन सोनेट। एक आपने देखा होगा कर्टल सोनेट, जो कि कौन लिखते थे, जीएम हॉपकिंस लिखते थे। ओके तो इसकी अगर राइम स्कीम देखें अपने, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर 4 लाइनों के 3 स्टैंजा होते हैं और लास्ट में एक कॉपलेट होता है, 2 लाइनों का स्टैंजा होता है। इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी, बी सी बी सी, डी सी डी सी, ई ई, यहाँ पे आप इसकी राइम स्कीम देख रहे हैं। और इस पॉइंट को किस में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है। अगर अपने इस पॉइंट की थीम की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट की थीम क्या है, बेसिकली अ लव पॉइंट अबाउट लाइफ डेथ एंड इमोर्टलिटी। इस पॉइंट की जो थीम है वो क्या है, लाइफ डेथ एंड इमोर्टलिटी है। ओके थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। अब अगर अपने बात करें इस स्पेशली इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, वन डे आई रोट हर नेम अप ऑन द स्टैंड एक सोनेट है। और यहाँ पे आप देखें नंबर 2 पे आप चीज देख रहे हैं, एमरोती इज अ सोनेट साइकिल अबाउट इज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, एक सोनेट्स का कलेक्शन लिखा था और जिसको इन्होंने नाम क्या दिया था, एमरोती दिया था। क्या नाम दिया था, एमरोती, एक लेटिन स्टूडेंट्स वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल लव पोइम्स होता है। ओके दोबारा फिर देखें,
कि वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्टैंड एक सोनेट है, और ये इनके कौन से कलेक्शन में से ली गई है, एमरती में से ली गई है. ओके, तो एमरती बेसिकली एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल लव पोइम्स. तो आप ये देख रहे हैं कि एमरती के अंदर सारी की सारी शॉर्ट लव पोइम्स हैं, और टोटली नंबर में अगर आप देखें तो 89 है. एमरती के अंदर कितनी पोइम्स हैं, कितनी सोनेट्स हैं, 89 सोनेट हैं. ओके, और जो हमारी प्रेजेंट पोइम है ये उसमें कितने नंबर पे आती है, 75th नंबर पे आती है. और इस पोइम को पब्लिश कब किया गया था, 1595 के अंदर. और इन्होंने एमरती को किसको डेडिकेट किया, अपनी वाइफ को, एलिजाबेथ क्वाइल को. इन्होंने क्या किया, इस पूरे एमरती कलेक्शन को डेडिकेट किया इन्होंने. ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर ओलिवर चर्ल क्या कहते हैं. डॉक्टर ओलिवर चर्ल ने क्या कहा है, एक बहुत ही फेमस उन्होंने हमारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है. क्या कहते हैं, एडमंड स्पेंसर्स एमरती इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस. जितनी भी एलिजाबेथन एज के अंदर सोनेट सीक्वेंस लिखे गए, चाहे वो आप ये कहें कि विलियम शेक्सपियर के हैं, ओके, और भी अदर पोइट्स हैं जिन्होंने सोनेट्स लिखा, जितने भी सोनेट सीक्वेंस लिखे गए उन सब में से जो हमारा एमरती है वो सबसे ग्रेटेस्ट है. ओके, उनमें से एक है, आफ्टर सर फिलिप सिडनी, जैसे लिखा हुआ है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर फिलिप सिडनी जो थे, ओके, इन्होंने भी लिखा था सोनेट कलेक्शन, लिखा था सीक्वेंस लिखा, जिसका नाम क्या था, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, विच वॉज द फर्स्ट ग्रेट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में इसको पहला सोनेट सीक्वेंस माना जाता है, फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफिल एंड स्टेला को. और इट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, और ये कहा जा सकता है कि ये सब में से महान है. सोनेट 75th फ्रॉम एमरती बिगनिंग वन डे आई रॉट अवर नेम अपॉन द स्टैंड इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस पॉइंट इन द साइकिल एंड डिजर्व्स क्लोजर एनालिसिस फॉर इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ पॉपुलर कंसीट. कंसीट स्टूडेंट क्या होता है कि जब अपने दो डिससिमिलर थिंग्स के बीच में, जब अपने बिल्कुल दो कंट्रास्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं. तो आप ये मान सकते हैं कि सर फिलिप सिडनी का जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला था तो उसी के जैसा ही एमरती कलेक्शन है जिसमें 89 सोनेट्स थी, और 75th सोनेट हमारी जो है वन डे रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड है, जो कि इसके इनोवेटिव कंसीट्स के लिए जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है लैंग्वेज के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में, तो उसके लिए बहुत ही फेमस है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, वन डे रोच और नेम अपॉन द स्ट्रैंड. ओके, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टूडेंट्स पता चल गया होगा कि जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं वो अपनी बिलव्ड के साथ में एक सैंडी बीच पे रेतीली समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं, और वो रेत पर अपनी बिलव्ड का नाम लिखते हैं. तो उसी के बारे में ये सारी पॉइम है. तो वो नाम लिखने पर क्या होता है, उसकी बिलव क्या सोचती है, और वो नाम क्यों लिख रहा है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने को मिलेगा जब अपने इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा पता चल गया होगा एडमंड स्पेंसर का भी, कि एडमंड स्पेंसर एक एलिजाबेथन है, मेटाफिजिकल माने जाते हैं, एमरती इनका फेमस कलेक्शन था जो कि सर फिलिप सिडनी के बाद में बहुत ही फेमस माना जाता है. जो हमारी आज की सोनेट है वो 75th नंबर पे उसमें आती है, और एमरती एक लेटिन वर्ड है जिसका क्या होता है, लिटिल लव पोइम्स होता है. और एमरती की सारी पोइम्स हैं इन्होंने किसको डेडिकेटेड की है, अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल, जिनसे ये बहुत प्यार करते थे. ओके, तो अब सीन ये है स्टूडेंट्स, देखें इमेजेस, देखें किस तरीके की अपने माइंड में इमेजेस कैसी डालते हैं, कि इमेज ऐसी है कि दोनों जो पॉइंट है उसकी बिलव्ड है समुद्र के किनारे पे बैठे हुए हैं, और वो हाथ से उस रेत पर अपनी बिलव्ड का नाम लिख रहा है. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए शुरू करते हैं हमारी एक बहुत ही फेमस सोनेट को, वन डे आई रॉट अ नेम अपॉन द स्टैंड. एक दिन मैंने उस रेतीली समुद्र के किनारे पर, बीच पर अपनी बिलव्ड का नाम लिखा. ये कौन कह रहा है, एडमंड स्पेंसर कह रहा है, अपनी बिलव्ड का मैंने नाम लिखा. बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे, लेकिन तभी समुद्र की लहरें आती हैं और उसे वो साफ कर देती हैं. वॉश्ड इट अवे का मतलब साफ कर देती है, मतलब जो समुद्र के किनारे रेत है जैसे ही पानी उस पर आता है तो रेत पे लिखी हुई सारी चीज़ वॉश हो जाती है. और पॉइंट उस पर क्या लिखता है, अपनी वाइफ का, अपनी बिलव्ड का उसने वहाँ पे नेम लिखा था. अगेन आई रॉट इट विद द सेकेंड हैंड, मैंने फिर से उसको अपने दूसरे हाथ से लिखा, यानी कि वो फिर से कोशिश करता है, फिर से ट्राई करता है, इस बार अपने दूसरे हाथ से ट्राई करता है लिखने की. बट केम द टाइड, लेकिन फिर से वो लहरें आती हैं, तेज तूफान आता है. एंड मेड माई पेन्स इज प्रे, और देखिए माई पेन्स का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेटाफर यूज कर रहे हैं वो, जितनी भी उनकी राइटिंग्स हैं
मतलब जो उनका लिखने का जो काम है ना, क्या लिख रहे थे वो उस समय, अपनी बिलव्ड का नेम लिख रहे थे। तो उन्होंने उस लिखने को क्या बोल दिया, मेरा अपना पेन बोल दिया। और प्रे का मतलब वैसे क्या होता है, शिकार होता है ना। तो कह रहा है कि फिर से वो लहरें आई और उन्होंने मेरे पेन्स को, मतलब मेरे उस लिखे हुए नाम को अपना शिकार बना लिया। दोबारा फिर देखें इमेज क्या है, पॉइंट अपनी बिलव्ड के साथ में बीच पर बैठा हुआ है और वो अपनी बिलव्ड का नाम लिखता है, लेकिन तभी समुद्र की लहरें आती हैं और उस नाम को मिटा देती हैं। फिर वो दूसरे हाथ से लिखता है, फिर से लहरें आती हैं और इस बार वो बोलता है कि मेरे जो पेन्स हैं, मतलब मेरी जो राइटिंग है, मैंने जो लिखा था, वो उसको अपना शिकार बना लेती हैं। तो लास्ट लाइन में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है, मेटाफरिकल लैंग्वेज, सिम्बॉलिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एडमंड स्पेंसर। ओके, तो चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सैंडी बीच को, सॉरी, कुछ इस तरीके का रेतीला जो बीच आप देख रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे चलते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा की ओर। अब देखिए, जैसे ही पॉइंट क्या कर रहा है, अपनी बिलव्ड का नेम लिख रहा है, एक बार लिखता है लहरें उसको साफ कर देती हैं, फिर दूसरी बार लिखता है फिर लहरें उसको साफ कर देती हैं। तो अब जो उसकी बिलव्ड पास में बैठी है वो बोलती है, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में तो कौन बोलता है, पॉइंट। फर्स्ट क्वैट्रेन के अंदर पॉइंट खुद बोल रहा है, लेकिन सेकंड क्वैट्रेन के अंदर आप क्या देखेंगे कि उसकी बिलव्ड है वो क्या बोल रही है, क्या कहती है, वेन मैन, कहती है सब कुछ व्यर्थ है। तू पॉइंट को कह दिया कि तू इतना घमंड क्यों कर रहा है, क्यों बार बार ऐसे कोशिश कर रहा है कि तू लिख रहा है लहरें आ रही हैं और उसको साफ कर रही हैं, तो तेरा व्यर्थ है लिखना ये सारा कुछ। सैड शी, उसने कहा, दैट डॉज इन वेन एज ए अमॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, कह रहे कि जब तुझे पता है कि जितनी भी दैट डॉज इन वेन एज ए, अब देखिए एज ए का मतलब क्या है कि जो ऐसी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जल्दी नष्ट होने वाली होती है ना, जो मतलब मेजर थिंग्स होती है ना, जो मतलब तुच्छ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो कह रही है कि तू एक नष्ट होने वाली, तू एक नष्ट होने वाली तुच्छ चीज को क्या करना चाहता है, अ मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, कि एक ऐसी चीज जो नश्वर है। मॉर्टल किसको बोल रही है, वो खुद को बोल रही है, उसकी बिलव्ड कहती है कि तू एक मॉर्टल चीज को, मॉर्टल का मतलब कि जो क्या है, परमानेंट नहीं है, विच इज टेम्पररी, जो क्या है, टेम्पररी है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर टेम्पररी, यू नो, सारे हम ह्यूमन बींग्स टेम्पररी हैं। तो कह रही कि जब मैं टेम्पररी हूँ, मैं एक मॉर्टल थिंग हूँ, तो तुम मॉर्टल थिंग को इमोर्टलाइज करने का प्रयास कर रहे हो, जैसे कि तुम किसी तो चीज़ को जो नष्ट होने वाली है उसको तुम अमर कैसे बना सकते हो, उसको तुम इमोर्टलाइज कैसे कर सकते हो। तो मतलब वो, आप ये कहें कि उसको वो स्कॉल्ड कर रही है, डांट रही है, इस टोन में आप कह सकते हैं ना कि वो सुना रही है कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि तू क्या कर रहा है, That dodged in vain as a immortal thing so to immortalize, कि तुम एक ऐसी चीज को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, immortal, जो खुद mortal है, जिसने नष्ट होना ही होना है। आगे क्या कहती है, For I myself shall like to this decay, कहती जल्दी ही क्या होएगा, मैं भी मतलब decay हो जाएगा मेरा, मतलब मैं नष्ट हो जाऊंगी, मतलब उसकी death हो जाएगी। आगे नीचे next second line को पढ़ती clear हो जाएगा, And इके my name be wiped out likewise, देखिए इके का मतलब कहता है ऑल्सो, जिस प्रकार से कहती है कि मेरा नाम तुमने यहाँ पे लिखा और लहरें आके नाम को साफ कर देती हैं, वाइप्ड आउट कर देती हैं, तो वैसे ही मैं भी एक दिन क्या हो जाऊंगी, मेरा डिके हो जाएगा, मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। ओके, वो नष्ट हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कहती जब तुझे पता है कि मैं नष्ट होने वाली हूँ, मेरा डिके हो जाएगा, ओके, जिस तरीके से लहरें नाम को मिटा देती हैं, वैसे समय मुझे भी मिटा देगा, मतलब उसके जब लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा तो उसको डेथ आ जाएगी, तो फिर तू एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टल कैसे कर सकते हो। ओके, तो वो अपने लवर को इस तरीके से कह रही है। तो सेकंड स्टैंजा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं हमारे थर्ड क्वैट्रन की ओर। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, नॉट सो कॉट आई लेट बेजर थिंग्स डिवाइज। ओके, तो कह रही है कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेट बेजर थिंग्स डिवाइज, कि जितनी भी ये बेजर थिंग्स होती है, जितनी भी ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, थिंग्स डिवाइज टू डाई इन डस्ट, कहती कि इन सभी का जन्म ही मिट्टी में मिलने के लिए होता है। नॉट सो कॉथ आई, कहती कि केवल मैं ही नहीं, नॉट सो कॉथ आई, मैं ही नहीं, जितनी भी सारी ये बेजर थिंग्स हैं, जितनी भी सारी ये तुच्छ चीजें हैं संसार के अंदर, डिवाइज, ये पैदा ही किस लिए होती है, मिट्टी में मिलने के लिए पैदा होती है। बट यू शैल लिव बाई फेम,
अब यहां पे कौन कह रहा है? ओके, यहां पे पॉइंट उसको आंसर दे रहा है, कहता है नॉट सो गॉड आई, ओके, लेट बेजर थिंग्स डिवाइज टू राइट इन डस्ट, कहता है हालांकि मैं जानता हूं ओके कि सारी जितनी भी चीजें हैं तुच्छ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसलिए मतलब उनका प्रोडक्शन होता है, उनका जन्म होता है कि वो सारे के सारे डाई इन डस्ट, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे, बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन तुम हमेशा अपनी फेम की वजह से जीवित रहोगी, मतलब वो उसको फेमस कर देगा। अब उसको फेमस कैसे करेगा? मतलब वो अपनी बिलव्ड को कह रहा है कि तुम फेमस हो जाओगी तो तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगी, फेमस कैसे करेगा? क्या कहते हैं, माई वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शेल एटर्नाइज, कहता है कि मेरी वर्ड्स यानी कि मेरी पोइट्री के अंदर मैं क्या करूँगा, योर वर्च्यूज, मैं तुम्हारे गुणों के बारे में लोगों को बताऊंगा, मतलब तुम्हारे अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज है मैं उसके बारे में बताऊंगा, रेयर शेल एटर्नाइज, और तुम हमेशा अनंत समय के लिए, ओके एटर्नाइज का मतलब क्या है कि तुम अनंत समय के लिए मेरी वर्ड्स के अंदर मैं तुम्हें कैप्चर कर दूंगा, मैं मेरी वर्ड्स के अंदर तुम्हारे बारे में लिख दूंगा, और जब तक मेरी वर्ड्स पढ़ी जाएगी तुम तब तक अमर रहोगी। क्योंकि इंसान तो नष्ट हो सकता है लेकिन वर्ड्स नष्ट नहीं हो सकते। फिर लास्ट में क्या कहता है, एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम, और कह रहा है कि जब हम अपनी डेथ के बाद में स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर भी तुम्हारा जो नाम है बड़ी शान से लिया जाएगा, वहां भी तुम्हारा नाम बड़ी शान से लिखा जाएगा। कहां पे? हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर। ओके, अब चलते हैं हम इसके लास्ट टू लाइंस की और इसके लास्ट कॉपलेट की ओर। क्या कहता है, वेयर वेन एज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, कहता है कि जब इस पूरे संसार को मृत्यु आ जाएगी, जब ये पूरा संसार के लोग हैं उनको डेथ आ जाएगी, वो मर जाएंगे, आवर लव शैल लिव, हमारा प्रेम तब भी जीवित रहेगा, एंड लेटर लाइफ रिन्यू, मतलब कि जब हम अपने इस जीवन को पूरा करने के बाद में हेवन के अंदर स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारी आत्माएं वहां पे जाके मिलेंगी, तो हम फिर से हमारी जो लाइफ है उसको रिन्यू कर लेंगे, हम फिर से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर लेंगे। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि आप इस पॉइंट के अंदर क्या देख रहे हैं, उसने किस किस को डिस्कस किया है, लाइफ को, अपने बिलव को, ऑसियन का इसमें आप देख रहे हैं, तो वो अपनी बिलव को अपनी पोइट्री के थ्रू क्या कर रहा है, इमोर्टल बना रहा है। वो कहता है कि वैसे तो मुझे पता है कि कोई चीज इमोर्टल नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपनी पोइट्री में तुम्हारे वर्च्यूज को लिख दूंगा, तुम्हारे बारे में लिख दूंगा, तो जब तक मेरी पोइट्री पढ़ी जाएगी तब तक तू हमेशा उसमें जीवित रहेगी। और कह रहे कि जब पूरे संसार को मृत्यु आ जाएगी, संसार की हर चीज़ की डेथ हो जाएगी, तब हमारा लव फिर भी जीवित रहेगा और हम फिर से एक नए जीवन को शुरू करेंगे स्वर्ग में जाने के बाद। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। आप हमें कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।